भाई आज की वीडियो में जो मैं तरीका बताने वाला हूँ ना पैसे कमाने का, उससे 15 मिनट के अंदर 15 मिलियन भी कमाए जा सकते हैं। जी हाँ, ये तरीका है आरपी टिकट फैक्ट्री। मैं बताऊंगा कि ये कैसे करना होता है, क्या रूल्स हैं एंड कैसे हमारी असैसिन फैमिली जीतती आ रही है। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड अभी तक ग्रैंड आरपी खेलना स्टार्ट नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में दे लिंक पे क्लिक करो, वहां पर आपको रजिस्टर करना है जो कि बिल्कुल फ्री है। बस EN1 EN2 या EN3 में से कोई सर्वर सेलेक्ट करो, अपना यूजर नेम सेट करो, पासवर्ड बनाओ और ईमेल आईडी एंटर करो, देन ग्रैंड आरपी का लॉन्चर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। अगर आपके पास जेन्युइन GTA 5 है तो आपको ग्रैंड आरपी चल जाएगा एंड आप EN3 में हमारी फैमिली ज्वाइन कर लेना जहां सभी के लिए सुपर कार्स खड़ी है। उसके अलावा मेरे लिंक से रजिस्टर किया था ना आपने तो आपको कैश बोनस एंड प्राइम अकाउंट भी फ्री मिलने वाला है। बाकी मेरे ऑफिस 1419 में टास्क करोगे तो 8000 का बोनस भी मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या है एंड इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो नाम से समझ रहे होगे, एक फैक्ट्री है जो हर घंटे 5 RP टिकट्स बनाकर देती है। सो जो भी उस फैक्ट्री का ओनर होगा उसे 5 RP टिकट्स मिलेंगी। सो जो अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मतलब कि ऐसी फैमिलीज जो कि अनऑफिशियल है, वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकती हैं एंड अगर वो जीत जाए तो अगले 6 घंटे के लिए फैक्ट्री उनके कंट्रोल में आ जाएगी एंड वो हर घंटे जाकर 5 RP टिकट्स क्लेम कर पाएंगे। सो इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि आपकी फैमिली अनऑफिशियल हो एंड आपकी फैमिली में बहुत सारे लोग होने चाहिए। खैर पूरा प्रोसेस मैं आगे समझाता हूँ। सो देखो, आरपी फैक्ट्री का पहला इवेंट रोज के 10:30 पे स्टार्ट होता है। IST टाइम नहीं, सर्वर के टाइम बोल रहा हूँ। रियल लाइफ में तब शायद दोपहर के 3:30 या फिर 4 बजे होते हैं, एक बार कंफर्म करना। तो इवेंट के स्टार्ट होने पर एक सर्कल बन के आ जाएगा मारबुंटा HQ के नीचे एंड ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ बिल्डिंग्स, रोड, खाली मैदान है और बहुत कुछ है। तो आपके पास 10:44 या फिर 10:45 तक का टाइम होता है एंटर करने का। जैसे ही आप सर्कल के अंदर जाओगे तो स्क्रीन पे कंफर्मेशन आएगी कि सही में एंटर करना चाहते हो। अगर आप एंटर पे क्लिक करोगे तो ही होगा, वरना आप बाहर आ सकते हो वापस। बाकी इसमें 25 प्लेयर्स की लिमिट है, सो 25 से ज्यादा लोग एंटर नहीं कर सकते। सपोज अगर आप एग्जिट कर जाते हो तो वापस अंदर नहीं आ पाओगे एंड ना ही कोई और आ पाएगा। सो एक बार 25 मेंबर्स कंप्लीट करने के बाद अंदर ही रहना है सबको एंड इवेंट 10:50 तक चलता है। सो आपको तब तक सर्वाइव करना पड़ेगा। टॉप पे लिखा आता है कि किस फैमिली के कितने लोग सर्कल के अंदर है। सो इवेंट के एंड में जिस फैमिली के ज्यादा लोग बचेंगे वही विनर होगी। इसलिए मैंने कहा था कि ज्यादा मेंबर्स होना जरूरी है। या तो आपकी फैमिली में शूटर्स बहुत अच्छे हैं, बड़े खतरनाक टर्फर्स हैं जो अकेले ही 4-5 लोगों को टपका दे, तो आप 5-6 लोगों के साथ भी पूरे 25 लोगों की फैमिली को खत्म कर सकते हो एंड विनर बन सकते हो। बट ऐसा रेयरली ही होता है, यूजुअली ज्यादा मेंबर्स वाली फैमिली ही विनर बनती है एंड कम मेंबर्स वाली फैमिली बस दूसरों के काउंट कम करती है। जैसा अपना सीन बताता हूं मैं, हम लोग दोपहर को आरपी फैक्ट्री में जाते हैं जहां यूजुअली हमारे 25 के अराउंड मेंबर्स होते हैं एंड रॉयल एलीट के भी शायद ऑलमोस्ट इतने ही मेंबर्स होते होंगे। बाकी सब फैमिलीज के 4, 5 या फिर 10 के ऊपर मेंबर्स नहीं होते। तो हमारी जैसी बड़ी फैमिलीज यूजुअली अपने अपने ठिकाने ढूंढकर छिपी रहती हैं ताकि ये कम मेंबर्स वाली फैमिली आपस में लड़ती रहे और अपने को खत्म कर ले, क्योंकि इनको जीतना वैसे भी नहीं है। बट हाँ, अगर किस्मत खराब हो तो ये छोटी फैमिलीज किसी बड़ी फैमिली पर अटैक करने चली जाती हैं। सो ऐसा हो सकता है कि जो 2-3 बड़ी फैमिलीज थी, लाइक हमारे एग्जाम्पल में असैसिन फैमिली एंड रॉयल एलीट फैमिली, उसमें से एक के नंबर्स कम हो जाएंगे एंड फिर दूसरी फैमिली जीत जाएगी। सो इसलिए जो बड़ी फैमिलीज होती हैं वो यूजुअली एक स्पॉट ढूंढ लेती हैं जहां वो छिप सकती हैं एंड 3-4 शूटर्स जो होते हैं वो आगे आकर प्रोटेक्ट करते हैं। वरना सपोज एंड में 2 बड़ी फैमिलीज बची हैं, एक के 22 मेंबर हैं एंड एक के 20 मेंबर। सो अगर 20 मेंबर वाली फैमिली को जीतना है ना, तो या तो उसे होप करना होगा कि कुछ छोटी फैमिली वाले जाकर सामने वाले को मार दे, या फिर उनको खुद रिस्क लेकर आगे जाकर अटैक करना होगा, वरना हारना तो उनका कंफर्म ही है। सो इस इवेंट को जीतने के 2 तरीके हैं, या तो आपके पास गॉड लेवल शूटर्स हों जो कि पूरी की पूरी फैमिली खा जाए एंड एंड तक सर्वाइव करें, या फिर आपके पास डिसेंट शूटर्स हों बट नंबर्स बहुत ज्यादा हों। सो जो डिसेंट शूटर्स है ना वो प्रोटेक्ट करेंगे बाकियों को एंड दूसरे लोगों को कुछ नहीं करना, बस छिपके रहना है। खैर जब इवेंट कंप्लीट हो जाए ना तो वहां पे खड़े मत रहना कोई, वहां से सब निकल जाना और सबसे बुरा किसी दूसरे पर शूट तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया वो रूल ब्रेक कर रहा होगा एंड उस फैमिली को वार्न पड़ेगा एंड वो इवन अनऑफिशियल से भी हट सकता है। सो इस इवेंट को करने के लिए एक मजबूत हाई कमांड चाहिए जो कि 25 लोगों को इकट्ठा करे एंड उनको टाइम पर इवेंट तक ले जाए, सबसे एंटर करवाए एंड सभी को प्रोटेक्ट भी करे। हमारी फैमिली की हाई कमांड काफी स्ट्रांग है, सो ऐसा हो जाता है। खैर सभी लोगों को चाहिए रहता है कि गन्स दो, आर्मर दो, बुलेट्स दो, इसके अलावा जूसेस भी देने पड़ते हैं, शायद गांजा भी देना पड़े ताकि वो अपने को प्रोटेक्ट कर पाए। तो 25 लोगों में तुम हर एक को ना 20-30 हज़ार का सामान दे रहे हो, सो उसका खर्चा आ जाता है अराउंड 6-7 लाख का। फिर अगर तुम आरपी फैक्ट्री जीत गए तो उसमें हर एक बंदे को बोनस भी देना होगा, बिकॉज उनकी वजह से ही जीते हो। ये बोनस अमाउंट खुद डिसाइड कर सकते हो, कोई 50,000 देता है, कोई 75,000, कोई ज्यादा, हम तो खैर ज्यादा ही देते हैं ताकि सभी को फायदा हो। इवन जो प्लेयर सर्कल के बाहर रह जाते हैं ना उनको भी बोनस मिलता है, बस स्क्रीनशॉट डालना होता है फॉर प्रूफ कि तुम वहां पर प्रेजेंट थे। सो इसमें इजीली 3 मिलियन उड़ जाते हैं एंड हमने अभी 3-4 मिलियन उड़ा दिए, बट ये पैसे आएंगे कहां से? तो ये आते हैं आरपी टिकट सेल करने से। बेसिकली अगर आप जीत गए इवेंट तो हर घंटे की स्टार्टिंग में आपको इस लोकेशन पे आना है एंड इस NPC से आरपी टिकट्स लेनी है। ये आपको हर घंटे करना है अगले 6
6 घंटे तक, तभी आप 30 टिकट्स कलेक्ट कर पाओगे। अगर फैमिली ओनर नहीं है तो डिप्यूटी कर लेगा या फिर कोई ऐसा कर लेगा जिसपे प्रॉफिट्स कलेक्ट करने की परमिशन हो। अब ये टिकट सेल करनी होती है एंड सर्वर टू सर्वर डिपेंड करता है कि क्या प्राइस है। अगर आप जिस सर्वर में हो वहाँ पे प्राइस ज़्यादा है तो आप 500K में भी सेल कर सकते हो, जिससे आप 15 मिलियन कमा लोगे। बट TN3 में शायद प्राइस कम चल रहा है आजकल, 3 से 4 के बीच में बिकती है, मतलब 3-4 लाख की बात कर रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना कि भाई कितने की सेल होती है एंड कितना प्रॉफिट आता है। सो ऑल इन ऑल यार ये वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है ग्रैंड आरपी का। अगर आप जीत गए तो खूब पैसा मिलता है। हमारी हाई कमांड में अच्छे मेंबर्स हैं जिनकी वजह से हम काफी बार जीत चुके हैं। खैर अभी तक ग्रैंड आरपी खेलना स्टार्ट नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दे लिंक पे क्लिक करो, वहां पर आपको रजिस्टर करना है जो कि बिल्कुल फ्री है। बस EN1, EN2 या फिर EN3 में से एक सर्वर सेलेक्ट करो, अपना यूजर नेम सेट करो, पासवर्ड बनाओ एंड ईमेल आईडी एंटर करो, देन ग्रैंड आरपी का लॉन्चर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। अगर आपके पास जेन्युइन GTA 5 है तो आपका ग्रैंड आरपी चल जाएगा एंड आप EN3 में हमारी फैमिली ज्वाइन कर लेना जहां सभी के लिए सुपर कार्स हैं। उसके अलावा मेरे लिंक से रजिस्टर किया था आपने तो आपको कैश बोनस एंड प्राइम अकाउंट भी फ्री मिलता है। बाकी मेरे ऑफिस 1419 में टास्क करोगे तो 8000 का एडिशनल बोनस भी मिलेगा। अगर नहीं पता कि फैमिली अनऑफिशियल कैसे करें तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो एंड राइट में आपको पता चलेगा कि कैसे ग्रैंड आरपी खेलना शुरू करना है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर GTA वीडियोस एंड मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।